दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और हुई जानलेवा, 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए मामले, अब तक 8,391 मरीजों की मौत। दिल्ली के एनजेपी अस्पताल में सभी 430 आईसीयू बेड फुल, कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल रही एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए, जल्द और बढ़ाई जाएगी क्षमता। जुर्माने की रकम बढ़ाने के बाद भी दिल्ली में दिखी लापरवाही, मास्क नहीं पहनने पर कुल 1,501 लोगों का कटा चालान। दिल्ली में भी कोरोना को लेकर रणनीति बदली, राजधानी में एंटीजन से ज्यादा अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर। यूपी के मुख्य सचिव ने सरकार को दिया सुझाव, दिल्ली से आने वालों की कराया जाए कोरोना टेस्ट। मुंबई में फिर उठने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,133 ताजा केस। मुंबई में 24 घंटे में 19 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 1,797 केस। राजस्थान में 24 घंटे में 3,260 नए केस, कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति। जम्मू कश्मीर में बढ़े कोरोना केस, 24 घंटे में 564 नए मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45,209 मामले, 501 मरीजों की गई जान। देश में अब तक 1,33,000 से ज्यादा मौत, 85 लाख से ज्यादा हुए ठीक। गुरुग्राम में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड, शहर भर में कैंप लगाकर एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों की जांच। गुजरात में 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा लागू, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाई लेवल बैठक में नाइट कर्फ्यू पर फैसला किया। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में पहले ही जारी है पाबंदी, सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सूरत में कोरोना से जान गंवाने वाले नर्सिंग कर्मचारी के परिवार पर को बीजेपी ने दी 50 लाख की मदद, 23 जुलाई को हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी जंग जारी, मिदनापुर में बीजेपी नेता भारती घोष के काफिले पर हमला। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक कर रैली में जाने से रोका। वर्तमान में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से झड़प, 4 बीजेपी समर्थक जख्मी। पश्चिम बंगाल में और हिंसक होती जा रही है सियासी जंग, टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी ने लोगों से हथियार उठाने की अपील की। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा भारत, 21 में इटली और 22 में इंडोनेशिया को मिला मौका। G20 समिट के समापन पर बोले पीएम मोदी, वैक्सीन किफायती दर पर सभी को मुहैया कराने में ना छोड़े कोई कोर कसर। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बहाने तेजस्वी नीतीश पर फिर साधा निशाना, कहा दागी होने के बाद भी मिला टिकट और मंत्री पद। असम में बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल, 20,000 कार्यकर्ताओं ने कमल के झंडे तले आए। पोंजी स्कीम केस में सीबीआई ने कर्नाटक के मंत्री रोशन बे को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का संगठन पर आरोप, चुनाव हारने के लिए 5 स्टार कल्चर को बताया दोषी। गुलाम नबी आजाद बोले, टूट गया है कांग्रेस का ढांचा, दफ्तर के अधिकारियों को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व को आजाद की सलाह, कहा कांग्रेस को बचाए रखने के लिए कराए चुनाव। प्रयागराज में संघ की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सर कार्यवाह भरत जोशी मौजूद, पहले दिन 5 सत्रों में बैठक। ट्विटर, हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए AIMIM अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकी सुरंग का खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मिला 100 मीटर से लंबा टनल। 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी है सुरंग, बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल से नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने की थी घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक डीडीसी चुनाव से पहले घाटी में और आतंकी घुसपैठ की आशंका, पूरे राज्य में पहरा हुआ और सख्त। नगरोटा साजिश का ट्रक ड्राइवर का अब तक सुराग नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता, एक आतंकी को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, दोनों को मिली है 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की तलाशी में भारती के घर से बरामद हुआ था गांजा, तो उन्होंने कबूली थी गांजा पीने की बात।
भारती के मैनेजर और स्टाफ से भी एनसीबी की घंटों पूछताछ, कई और अहम जानकारी का खुलासा। पूछताछ में एनसीबी को भारती सिंह को गांजे सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता चला। 21 नवंबर को मुंबई के खार में धरे गए एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में लिया था भारती का नाम। लखनऊ में हुआ दिल दहलाने वाला हादसा, टॉफी लेने निकली 5 साल की बच्ची बिजली की तार की चपेट में आई, मौके पर मौत। लखनऊ में खड़ी कार धू धू कर जली, आग की वजह का फिलहाल पता नहीं। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सोनीपत में पूर्व सांसद की मौत पर हंगामा, लोगों ने किया सड़क जाम, जमकर मचाया उत्पात। हावड़ा में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, लाखों का माल खाक। सूरत में 7 साल के बच्चे की हत्या, पिता के 7,000 उधार ना चुका पाने पर पड़ोसी ने बच्चे का गला घोटा। बुलंदशहर में लुटेरे बेखौफ, गहनों की दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर जौहरी की गोली मारकर हत्या। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी को मारी गोली, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। हाजीपुर में मामूली झगड़े के बाद बैठी पंचायत में गोलीकांड, बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के बाराबंकी में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिस वाले भी जख्मी। आगरा में हैरान करने वाली घटना, एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर से उड़ाया लाखों का माल, 2.5 लाख नकदी, 9 और गहने बरामद। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट से एक शख्स का शव बरामद, पुलिस की तफ्तीश जारी। रिटनवाड़ा में धोखाधड़ी में 2 बिल्डर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वक्त पर पोजीशन नहीं मिलने से खरीदारों ने की थी शिकायत। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, चोरी की बाइक, तमंचा बरामद। गाजियाबाद के लोनी में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में जमीन विवाद में रिश्तेदारों के बीच फायरिंग, सड़क से गुजर रहे राहगीर को पैर में लगी गोली। बागेश्वर में 3 किलो 200 ग्राम चरस के साथ एलएलबी का छात्र गिरफ्तार, चरस की कीमत करीब 3.5 लाख। यूपी के रामपुर में एक होटल में शख्स की संदिग्ध मौत, एक महिला के साथ ठहरा था मृतक। लखनऊ में एक नेता ने समर्थकों के साथ दुकानदार से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकानदार से मारपीट पर बरपा हंगामा, लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा पर गंभीर आरोप, ग्राहक ने लॉकर से 1 करोड़ के गहने बताए गायब, एफआईआर दर्ज। बांदा ने एक शख्स ने साली की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बाद में ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में हादसा, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने खड़ी कार में मारी टक्कर, 2 लोग घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस, कई यात्री घायल। श्रीकाकुलम में आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी ऑटो से टकराई, हादसे में ऑटो सवार कुछ लोग हुए घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या, लापता पति पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मदुरई में कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। अलवर में एक महिला की हत्या, पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। चुरू की गौशाला में 100 गायों की मौत से हड़कंप, पशुपालन विभाग की टीम मौके पर, मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। यूपी के महाराजगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एक गांव के 30 मकान जमीन दोस्त। बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल की लापरवाही, 2 माह के बच्चे आपस में बदले, डीएनए टेस्ट से अब होगा फैसला। लखनऊ में देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस यात्रियों के कमी के चलते अगले आदेश तक बंद। इस बार छठ के बाद काम पर लौटने वालों की नहीं दिखी भीड़, पटना के बस अड्डे और स्टेशन पर नहीं हुई भीड़भाड़। अमेरिका में आ गई कोरोना वैक्सीन, 12 दिसंबर से लगेगी डोज। गिनती में धांधली की शिकायत पर ट्रंप को लगा झटका, दोबारा चुनाव कराने की मांग खारिज। कोरोना के खतरे के बीच दुनिया पर चढ़ने लगी है क्रिसमस की खुमारी, रोशनी से जगमगाया पेरिस। कोलंबिया में कोरोना के बाद अब आयोटा तूफान से तबाही, पर्यटन कारोबार को बड़ा नुकसान। चांद पर एक और रॉकेट भेजने की तैयारी में चीन, जीवन की उम्मीद ढूंढने की कोशिश।